नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इराक में शांतिपूर्ण चुनाव, इराकी जनता के हित में बड़ा कदम, कहा ओबामा ने। अमेरिकी राजनीति के बदलते चेहरे का एक नया सबूत, माइकल स्टील बने विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के पहले अश्वेत अध्यक्ष। और केंटकी में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, हजारों हुए हैं बेघर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। इराक में प्रांतीय चुनावों का शांतिपूर्वक तरीके से पूरा होना इराक में स्थिरता लाने की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इराकी नेताओं के साथ ही राष्ट्रपति ओबामा ने भी इसका स्वागत किया है। इन चुनावों को इराक को स्थिर बनाने के लिए और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए एक बड़ी कसौटी माना जा रहा था और चुनावों के किसी भी बड़ी हिंसा की वारदात के बिना पूरा होने से ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब इराक स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और इराकी फौजें और पुलिस इराकियों की सुरक्षा का जिम्मा लेने के लिए तैयार है। ओबामा प्रशासन ने इराक से 16 महीनों में समयबद्ध फौजें वापस लेने का ऐलान किया है और अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं कि ये मुमकिन है। हम एक स्थायी सुरक्षा और स्थिरता की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं और हम हर दिन उद्देश्य के करीब बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इराकियों को बधाई देते हुए कहा है कि ये चुनाव यही साबित करते हैं कि अब इराकी अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन चुनावों में शामिल अलग अलग पार्टियों के 14,000 उम्मीदवारों में से एक चौथाई महिलाएं थी और कुल 440 प्रांतीय सीटों के लिए मुकाबला हो रहा था। शुरुआती रुझानों में प्रधानमंत्री मलिकी की पार्टी आगे चल रही है। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की राजनीति के बदलते चेहरे की एक और मिसाल अब रिपब्लिकन पार्टी ने कायम की है। पार्टी ने पहली बार एक अश्वेत को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। माइकल स्टील को अध्यक्ष चुनकर रिपब्लिकन पार्टी ने संदेश दिया है कि वो बदलते राजनीतिक माहौल में अपने आप को ढालने के लिए तैयार है। 2008 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी कई ऐसे राज्यों में हारी जहां दशकों से जीतती आई थी। रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेंध लगाई। कुछ दिन पहले सर्वेक्षण करने वाली एक कंपनी गैलप ने आंकड़े जारी किए जिससे रिपब्लिकन पार्टी के सुकुड़ते वोट बैंक का अंदाजा लगता है। आंकड़ों के मुताबिक केवल 5 राज्य जहां की अमेरिका की केवल 2% जनसंख्या रहती है वहां ऐसे लोगों का बहुमत था जिन्होंने अपने आप को रिपब्लिकन बताया, जबकि 35 राज्यों में बहुमत डेमोक्रेट्स का था। रिपब्लिकन पार्टी माइकल स्टील के साथ अपनी छवि बदलना चाह रही है और प्रासंगिक रहने के लिए नए रास्ते तलाश कर रही है। हम फिर जीतेंगे उत्तर पूर्व में, हम दक्षिण में जीतना कायम रखेंगे और हम तूफान की तरह मध्य पश्चिमी राज्यों में भी जीतेंगे और हम पश्चिमी राज्यों तक भी जीत को पहुंचाएंगे। अमेरिका में जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अफ्रीकन अमेरिकन और दक्षिण अमेरिकी मूल के लोगों की तादाद श्वेत लोगों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के जनसंख्या ब्यूरो के मुताबिक 2042 तक आधी से ज्यादा जनसंख्या इन्हीं लोगों की होगी और ऐसे में कई रिपब्लिकन नेताओं का मानना है कि पार्टी केवल श्वेत लोगों की पार्टी बनकर नहीं रह सकती। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए, पता है www.voasamachar.com। अमेरिका के कुछ राज्यों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। केंटकी राज्य में एक जबरदस्त बर्फीले तूफान से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। केंटकी में बर्फीले तूफान की वजह से करीब 6,00,000 घरों और व्यापारिक संस्थाओं की बिजली चली गई। बिजली न होने की वजह से घरों को गर्म नहीं रखा जा सकता और ऐसे में लोगों के पास अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। केंटकी के अब तक के सबसे बुरे बर्फीले तूफान में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। हम केंटकी राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के बीच में हैं। 3,000 सैनिकों और एयरमैन के अलावा केंटकी के गवर्नर बेशेर ने अमेरिकी नेशनल गार्ड को तैनात किया है। नेशनल गार्ड के जवान घर घर जाकर लोगों की खबर ले रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं। शिनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachar.com पर भी देख सकते हैं। और हाँ, आपको अमेरिका लाइव कैसा लगा और आप और क्या खबरें देखना चाहते हैं ये हमें ईमेल के जरिए लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम कल आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।